भागलपुर जिला कांग्रेस इंटेक फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ गिरफ्तारी एवं संसद से निलंबन को लेकर मार्च सह विरोध प्रदर्शन किया। मार्च कृषि भवन से पुलिस लाइन होते हुए कचहरी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रताप सिम्हा और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए संसद के तस्वीर की प्रतियां जलाई। साथ ही आरोप लगाया कि संसद के अंदर सुरक्षा उल्लंघन को अंजाम देने के लिए सांसद ने उकसाया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान ओम प्रकाश उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जब संसद की हिफाजत नहीं कर सकती है तो 140 करोड़ जनता की हिफाजत कैसे करेगी। संसद भारत का केंद्र है, यहाँ देश भर का प्रतिनिधित्व होता है। संसद पर हमला देश की अस्मिता पर हमला है। किसी भी प्रधानमंत्री और विशेषकर गृह मंत्री को ऐसी घटना पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, किंतु हर अपेक्षा के बावजूद प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री मौन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब दे, वरना विपक्ष संसद को चलने नहीं देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस तथ्य से ध्यान को भड़काने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि 5 वर्षों से संसद सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है। वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद भी खाली है। वहीं जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने सवाल उठाया कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की क्या भूमिका है जिन्होंने हमलावरों को पास जारी किए। सरकार संसद हमले का सच छुपा रही है, संसद की सुरक्षा में बेहद गंभीर सेंधमारी हुई है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री मंटू यादव ने किया। मौके पर इंजीनियर रवि कुमार, सुनंदा रक्षित, अमरजीत आनंद, सिद्धार्थ शर्मा, कुणाल मिश्रा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकतंत्र में जो घोर सेंधमारी हुई है उसको लेकर तमाम बिहार के इंटेक के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ और खास करके हम सभी मैसूर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए उनको सांसद गृह से निलंबन की मांग कर रहे हैं और हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह कर रहे हैं यथाशीघ्र बिना अविलंब किए हुए प्रताप सिन्हा की गिरफ्तारी हो। ये सांसद जो गए आखिर किस नियम के तहत पास दिया गया उसकी जांच होनी चाहिए। जिस देश में लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं है उस देश में 140 करोड़ की जनता का खाक सुरक्षित रहेगी। आईडीए अंग प्रदेश भागलपुर की मेजबानी में आयोजित इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 2 दिवसीय 12वां बिहार स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रविवार को साइंटिफिक सेशन और आईडीए बिहार की नई कार्यकारिणी गठन के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान दरभंगा से आए डॉक्टर अंजनी कुमार झा और डॉक्टर अभिनव, पटना से आए डॉक्टर अमलेश गोलवारा एवं डॉक्टर मधुरेश ने साइंटिफिक सेशन के दौरान भागलपुर समेत बिहार के दंत चिकित्सकों को इलाज की आधुनिक तकनीक एवं शोध के बारे में जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस में ऑरल कैंसर, बायोप्सी ऑफ ऑरल टिश्यूज, एलाइनर, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के अलावा डेंटल सर्जरी, मुख रोग और दांतों से जुड़े रोगों की जांच एवं इलाज के बारे में बाहर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साइंटिफिक सेशन के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अभिषेक सिन्हा और डॉक्टर शुभांकर सिंह ने बताया कि स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस में दंत रोग के इलाजों की पुरानी और नई तकनीकों के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया, जबकि दांतों के इलाज के दौरान होने वाले एलर्जी, मेडिकल इमरजेंसी, बचाव और समाधान को लेकर भी देश के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की, जिससे भागलपुर और बिहार में भी हर तरह के दंत एवं मुख के रोगों का उपचार किया जा सके। वहीं कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में आईडीए बिहार की राज्य कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया, जिसमें पूर्णिया के डॉक्टर अरविंद खन्नी को आईडीए स्टेट प्रेसिडेंट और डॉक्टर कुमार मानवेंद्र को एक बार फिर से राज्य सचिव चुना गया। इसके अलावा कई पदों पर चयन के साथ कार्यकारिणी सदस्यों का चयन कर नामों की घोषणा भी की गई। साथ ही अध्यक्ष और सचिव के साथ राज्य के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों और कॉन्फ्रेंस के मेजबान आईडीए अंग प्रदेश के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा विभिन्न जिलों से भागलपुर पहुंचे दंत चिकित्सकों का फोटो सेशन किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि आईडीए अंग प्रदेश के वार्षिक आयोजन को लेकर अगले माह में इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में बैठक होंगी, जिसके बाद भागलपुर आईडीए की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। इधर सभी डॉक्टरों ने नवनिर्वाचित स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट सेक्रेटरी को बधाइयां दी। आईडीए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद खन्नी ने आईडीए अंग प्रदेश की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस को लेकर बधाई देते हुए आईडीए के सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए और पुराने चिकित्सकों द्वारा नॉलेज शेयरिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले डॉक्टरों को नए शोध और इलाज की नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने आईडीए बिहार को ऊंचाई पर ले जाने की बात करते हुए आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराने की बात कही। मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सनातन, डॉक्टर जौहर साजिद, डॉक्टर कुंदन साह, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर ए वली समेत भागलपुर और बिहार के विभिन्न जिले से आए दंत चिकित्सक मौजूद रहे। को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने आईडीए भागलपुर आईडीए आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया कॉन्फ्रेंस का, साइंटिफिक सेशंस भी बहुत अच्छे रहे। साथ में आज आईडीए बिहार की नई कमेटी का गठन भी हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर मैं डॉक्टर अरविंद खत्री, मैं आईडीए पूर्णिया से हूँ और मुझे आईडीए बिहार का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर निर्वाचित हमारे जो बिहार स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे भागलपुर में जो ये 3 दिन का अधिवेशन चला बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत मेरे जितने भी कलीग मेरे जितने भी मेंबर्स हैं बहुत अथक प्रयास करके इसको सफल बनाया और ये जो बिहार स्टेट का कॉन्फ्रेंस हम लोग को ग्रेट सक्सेस मिला, ये बहुत खुशी है। लोजपा रामविलास के संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर रविवार को भागलपुर के एक होटल में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला के प्रभारी, पूर्व प्रत्याशी, विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य रूप से आगामी 21 तारीख को भागलपुर में होने वाली संकल्प यात्रा रैली को लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष और प्रत्याशियों के द्वारा व्यापक स्तर पर समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक सुबोध कुमार पासवान ने की। वहीं इस दौरान जिला संयोजक सुबोध कुमार पासवान ने कहा कि 21 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संकल्प रैली की बैठक सह संगठन की समीक्षा बैठक के लिए भागलपुर पहुंचेंगे। इधर प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रत्याशी अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का भागलपुर आगमन होने जा रहा है, जिसमें आगामी 2024 के लोकसभा और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और चुनाव में पार्टी द्वारा अपना दमखम दिखाने के लिए सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा। मौके पर पीयूष पासवान, बबली वर्मा, आशीष कुमार, परमजीत कुमार, अक्षय आनंद मोदी, अरुण जायसवाल और प्रियंका मिश्रा समेत काफी संख्या में लोजपा रामविलास के पुरुष और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित अंतर महाविद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक समागम 2023 के तीसरे दिन प्रतिभागियों का उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया। छात्र छात्राओं ने खेल में भी अपने प्रदर्शन से सभी को आनंदित कर दिया, जबकि दौड़ प्रतियोगिता में भी छात्राएं अव्वल आ रही हैं। रविवार को 400 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में प्रिया भारती, प्रीति कुमारी, सुमेधा प्रियदर्शी ने परचम लहराया, जबकि बालक वर्ग में नूनू कुमार, कमलेश कुमार और सूरज कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। वहीं 200 मीटर दौड़ में रूबी कुमारी, रूपरेखा और रूबी कुमारी ने पहला, दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि लड़कों में रोहन कुमार, नूनू कुमार और नीलेश कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। इधर छात्राओं की रिले दौड़ टीम में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, वीर कुमार सिंह कृषि कॉलेज डुमराव बक्सर और उद्यान महाविद्यालय नूरसराय की टीम पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही, जबकि लड़कों की टीम में उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, स्नातकोत्तर बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर और कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा भाला फेंक, ऊंची कूद, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, गोला फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस दौरान सांस्कृतिक प्रतियोगिता में समूह नृत्य, डिबेट, एलोकेशन क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा नृत्य प्रतियोगिता, एकांकी नाटक और लघु नाटिका का आयोजन भी हुआ, जिसमें BAU के सभी महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मौके पर अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर अजय कुमार साह, निर्देशक छात्र कल्याण डॉक्टर फिजा अहमद, प्रभारी पदाधिकारी खेलकूद अमित कुमार, सांस्कृतिक कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर शंभु प्रसाद और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद रहे।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्ने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस्ड न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने की। बैठक में समिति के सदस्यों ने शहर में हो रही सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कृष्णानंद स्टेडियम के समीप 4 दशक पहले बनी जलमीनार जर्जर हो गई है, इसका निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मिरट्टी के समीप बने कंपोस्ट पिट को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए 4 दीवारी बनाई जाएंगी। साथ ही श्रावणी मेला 2024 को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र में बने नालों पर ढक्कन का निर्माण किया जाएगा एवं स्थायी सफाई कर्मियों को नए वर्ष में यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने और खुले में मीट मछली के बिक्री पर रोक लगाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर उपसभापति नीलम देवी, वार्ड पार्षद सरिता देवी, नवीन कुमार बन्नी, संजय चौधरी सहित नगर परिषद के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय सभागार में सड़क दुर्घटना को लेकर जिला रोड मैनेजर राकेश कुमार के द्वारा 4 थाना के थानेदारों एवं थाना के SI के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए रोड मैप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की गई, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस दौरान शाहकुंड थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा, अकबरनगर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, बात थानाध्यक्ष कन्हैया झा, सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, थाना के SI किरण सोनी, कमल राम, रविंद्र यादव, संगम कुमारी, नीरज कुमार, नवीन कुमार चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक्सीडेंट के बारे में ट्रेनिंग है, बेसिकली EDR का ट्रेनिंग है, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें पुलिस के द्वारा जो जांच किया जाता है वो अपना डेटा इस पोर्टल पे डालते हैं। इसी की तरह से ट्रांसपोर्ट वाले अपना डालते हैं, हेल्थ वाला अपना डालते हैं, हाईवे वाला अपना डालते हैं। तो इसी के बारे में आज ट्रेनिंग है कि वो लोग अपना डाटा इस पोर्टल पे कैसे एकत्रित करेंगे। बेसिकली यही ट्रेनिंग है आज का।